हरियाणा पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार प्रयास कर रहे हैं। मोटी तोंद वाले पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के बाद अब चौकी थाने के पुराने भवन को बदलकर नए भवन तैयार करवाए जा रहे हैं। बीते दिनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का शिलान्यास गृह मंत्री अनिल विज ने किया था और आज अंबाला कैंट के महेश नगर थाना का भी शिलान्यास गृह मंत्री द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने नारियल फोड़ कार्य का शुभारंभ किया। आज अंबाला छावनी में महेश नगर थाने का शिलान्यास किया गया है। थाना बने तो कई वर्ष हो गए, परंतु ये सदर बाजार की जो महेश नगर चौकी होती थी वहीं से ही काम कर रहा था। थाना बन गया लेकिन थाने का भवन नहीं बना। आज यहां पर आधुनिक थाना बनाने का शिलान्यास किया गया है। इससे पहले भी सुभाष पार्क के सामने एक हाउसिंग बोर्ड चौकी जो हुआ करती थी उसका बनाने का काम आरंभ किया गया है। इसी प्रकार से बीसी बाजार में जो बीसी बाजार चौकी होती थी उसको भी नया बनाने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी पड़ाव थाना जो कि एक चौकी से काम कर रहा है उसके लिए भी हमने जगह निर्धारित कर ली है। हल्ट्रॉन की बिल्डिंग के साथ हमने दस्तावेज भेज दिए हैं और वो थाना भी बनकर तैयार हो जाए। आपके शहर का नुमाइंदा होम मिनिस्टर बना तो उसको ये लाभ तो यहां मिलने ही चाहिए थे। हक बनता है अंबाला की जनता का। हम थानों की भी गिनती बढ़ा रहे हैं। जैसे जो महेश नगर है इसके दो थाने बना देंगे, एक महेश नगर वन होगा और दूसरा किसी गांव में जाएगा तो उसका नाम बन जाएगा जहां महेश नगर टू हो जाएगा। जगाधरी रोड से इधर के जो इलाके होंगे वो इस थाने में आएंगे, जगाधरी रोड से जो उधर के इलाके होंगे वो महेश नगर टू थाने में जाएंगे। हमने इसकी प्रपोजल तैयार करके भेजी है। पुलिस को बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहते हैं। कल ही हमारी रिव्यू मीटिंग थी, मैंने उसमें कहा है कि सारे हरियाणा में एक एक भवन की क्या स्थिति है, कौन कौन से भवन टूटे हुए हैं और तोड़कर दोबारा बनाने हैं और कहां कहां पर थाना या चौकी बननी चाहिए, इसकी मैपिंग करवाई जाए। जैसा मैंने अभी हेल्थ में मैपिंग करवाई है वैसी ही पुलिस में भी मैपिंग कराने का कल मैंने कहा है कि इसकी मैपिंग कराएं कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कहां कितनी चौकी चाहिए, ग्रामीण में कितनी चाहिए, शहरी में कितनी चाहिए। आज कोई हिसाब नहीं है, आज बेहिसाबी बनी हुई है। हम हिसाब के साथ बनाना चाहते हैं और हम सब सुविधाएं देना चाहते हैं। हम जब पुलिस से मांग करते हैं कि जैसे अमेरिका का पुलिस वाला करता है वैसे करो, तो फिर जैसे भवन में अमेरिका का पुलिस वाला बैठता है वैसा भवन भी मुझे बनाकर देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं कई जगह पर जाता हूं, थानों में जाता हूं, मुझे बहुत गिलानी होती है
टूटी हुई चारपाइयां, टूटे हुए पंखे, टूटी हुई खिड़कियां, वही जो अंग्रेज छोड़कर चले गए वही आज तक हैं। किसी ने उनको बदलने की तरफ नहीं सोचा, लेकिन हमने सोचा है। मैंने कहा है कि इन सबको गिराकर अगर नया बनाना तो बना दो, और ये सामने रखो कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, 2047 में हरियाणा की पुलिस कैसी होनी चाहिए उसकी हमें आज से तैयारी करनी, आज से तैयारी करनी। और मिश्रा जी ने उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को बड़े सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ हम ये आपको सारा बना कर देंगे कि कहाँ चंकी चाहिए, कहाँ थाना चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ नहीं बनानी है, और क्या क्या सुविधाएं देनी है। जैसे एक स्ट्रोक में आपको हमारी सोच का अंदाजा लगाओ, एक स्ट्रोक में। मैं यहां पर नक्शा देखने आया और मैंने कहा इसमें जिम भी बनाइए। मिश्रा जी ने कहा हम जिम बना देंगे, क्योंकि कर्मचारी खाली समय में वहां पर आकर अपनी एक्सरसाइज कर सके, वार्म अप हो सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके, पॉजिटिव ऊर्जा बह सके। और दूसरी बात मैंने कही कि चलो एयर कंडीशन तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन एयर कूल्ड, सेंट्रली एयर कूल्ड थाना बनाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद जितने भी थाने बनेंगे वो सेंट्रली एयर कूल्ड थाने बनेंगे। और थानों में अगर मौजूदा में जिम रखवाए जा सकते हैं तो मैं स्टडी करूंगा, मैं सभी थानों में जिम रखवाऊंगा, नहीं तो जो नए थाने बनेंगे उनमें जिम रूम भी हुआ करेगा, ये मैं एसेंशियल करूंगा। देखिए हम नए थाने बना रहे हैं और भी हमारी योजना में है, सारे हरियाणा में बना रहे हैं, और अम्बाला में भी ये थाना बने तो कई वर्ष हो गए थे, लेकिन ये टूटी फूटी चौकी से ही चल रहा था। तो उस थाने का निर्माण किया और जो हाउसिंग बोर्ड चौकी थी वहां भी थाने का निर्माण किया, बीसी बाजार में भी नया थाना बना के दे रहे हैं। हमारी सोच ये है कि हमें एनवायरमेंट बदलनी चाहिए, अच्छी एनवायरमेंट होगी अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एक जिम लगवा के देंगे, और आज के बाद जितनी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी वो एयर कूल बनेंगी। इसको भी मैंने कह दिया कि एयर कूल, सेंट्रली एयर कूल्ड ये बिल्डिंग बनाई जाए, और इन फ्यूचर भी जो बनाएंगे वो एयर कूल बनाएंगे, ताकि एनवायरमेंट बदले, अच्छे माहौल में आदमी बैठे, अच्छे माहौल में बैठेगा तभी अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। थाने में शिलान्यास समारोह के दौरान आईजी शिवास कविराज ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया और कहा कि अच्छे से काम करने के लिए पुलिस कर्मियों को मूलभूत सुविधा मिलना बहुत जरूरी है, और गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी है, तभी चौकी थानों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य का निर्वहन भली भांति से नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के रहने और कार्य करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से नहीं कर पाएगा। माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र एवं रहन सहन और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, ताकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त व स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन सत्य निष्ठा और लगन से कर सके और उनके मनोबल का विस्तार हो सके। इसके लिए मैं विशेष तौर पर माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।